केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया है। मंत्रालय का कहना है कि अभिभावक इन निर्देशों का पालन कर अपने बच्चों को संक्रमण से बचा सकते हैं। इसमें संक्रमण की पहचान जल्दी हो सकेगी और बच्चों को गंभीर स्थिति में जाने से बचाया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अगर बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है लेकिन उसमें कोई लक्षण नहीं है, ऐसे बच्चों का इलाज आसान है। हल्के लक्षण जैसे खांसी, गले में खराश और नाक बह रही है लेकिन सांस संबंधी तकलीफ नहीं है तो घर पर इलाज संभव है। हृदय, क्रॉनिक लंग डिजीज, मोटापा समेत अन्य तकलीफों से ग्रसित बच्चों का भी घर में उपचार हो सकता है। बच्चों में एंटीवायरल दवाएं जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, फेविपिराविर, आइवरमेक्टिन, रेमडेसिविर, यूमीफेनिविर, इंटरफेरॉन, प्लाज्मा, डेक्सामेथनॉल कारगर नहीं है। साथ ही इन बातों का ध्यान रखें, सीने को देखते रहें, शरीर का रंग तो नहीं बदल रहा, यूरिन आउटपुट पर रखें नज़र, साथ ही रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन लेवल दिन में 2 से 3 बार जांचें। छोटे बच्चों को कोई तकलीफ है तो तत्काल डॉक्टर से बात करें। हल्के लक्षण वाले बच्चों का इलाज जो है, बुखार के लिए पैरासीटामोल 15 mg हर 4 से 6 घंटे पर, खांसी के लिए गरारा, तरल पदार्थ और पौष्टिक आहार दें। गंभीर संक्रमण के लक्षण के लिए बच्चों की उम्र के हिसाब से सांस की गति कम है तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को गंभीर लक्षण है। बच्चों का ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर होना चाहिए, ऐसे बच्चों का इलाज COVID-19 अस्पताल में हो। बच्चों को दूसरी गंभीर बीमारी नहीं है तो नियमित कोई जाँच जरूरी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ देना है, IV फ्लूड का इस्तेमाल संभव है। साथ ही गंभीर लक्षण वाले बच्चों का इलाज जो है, जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम है, सीना तेजी के साथ फूल रहा है, थकान, सुस्ती और दौरे हैं, ऐसे लक्षण वाले बच्चों का इलाज अस्पताल में ही करना चाहिए। मंत्रालय के अनुसार ऐसे बच्चों में खून का थक्का, सूजन और अंग फेल होने से जुड़ी जांच जरूरी है। ब्लड काउंट, लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट के साथ एक्सरे जांच अनिवार्य है। इस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया है। यह हम सब के लिए बहुत लाभप्रद है और हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगह में न ले जाएं। बच्चों को ये कोशिश करें, जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है वो बच्चों से दूर रहें, और बच्चों में यदि थोड़ी भी तकलीफ नज़र आ रही है, थोड़ा भी लग रहा है कि बच्चे बीमार हैं, तो तुरंत जाँच जरूर कराएँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। खबर भी, सरोकार भी, हर कदम, हर डगर, हर मोर्चे पर तैयार भी, पक्ष हो या विपक्ष, बात वही जो है सच, सही और दमदार भी। गांव, कस्बा, शहर, नगर, रुक न पाए कोई खबर, असर भी, असरदार भी, खबर भी, सरोकार भी। लल्लूराम.com, सच कहेंगे लल्लूराम।